तो क्लास फर्स्ट की बात है, हमारा जो स्कूल हुआ करता था उसमें बहुत बच्चे थे, करीबन उस टाइम पे ही करीबन करीबन 2500-3000 बच्चे थे उसमें। तो और वैसे ही जैसे सेक्शंस होते हैं, अलग अलग सेक्शंस, फर्स्ट क्लास के ही 6 सेक्शन थे, हर एक में 40-40 बच्चे, बहुत बच्चे हुआ करते थे। तो हम लोग छोटे थे, तो क्या है छोटे बच्चों की विंग अलग होती है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड तक की विंग अलग होती है। तो वही चड्डी पैंट पहन के घूमते रहते थे छोटी वाली, तब उस टाइम पे वही कल्चर था। तो भैया इंटरवल हुआ था, जो जिसको आप रिसेस बोलते, हम लोग तो रिसेस ही बोलते थे, वो हुआ था, खाना वाना खाया और बेल लग चुकी थी। उसके बाद में हमारी इंग्लिश वाली मैम का लेक्चर था या इंग्लिश वाले मैम की क्लास थी, उनका इतना ज्यादा प्रभाव था, कोई सा भी बच्चा उठा लो स्कूल में, उनके सेक्शन का जो है वो हो ही नहीं सकता कि वो काम ना करके आए, हो ही नहीं सकता। या तो वो आएगा नहीं, या इनफैक्ट वो आएगा भी, क्योंकि आएगा नहीं तो उसकी गलती बढ़ जाएगी। उनका इतना आतंक था, क्योंकि वो बच्चे के थप्पड़ मारती थी ना, मान लो यहाँ पर क्लास का टेबल है, यहाँ वो बैठी है, उस तरफ कॉपी चेक करना है कि तुम खड़े हो, अगर थप्पड़ पड़ा तो आप फिसलते हुए क्लास से बाहर निकल जाओगे, फिसलते हुए, इतनी तेज पड़ता था। तो उनकी क्लास थी उस इंटरवल के बाद, काम वाम किया हुआ था, वो सब एकदम ओके था। बट क्या पानी वाली, वाटर कूलर वाली लाइन में, जून जुलाई के महीने में पानी वाली लाइन में हम लोग लगे हुए थे। अब जैसे मेरी बारी आई, मेरे आगे एक लड़की और थी हमारे सेक्शन की, तो वो क्या कर रही थी, एकदम नेचुरल फिनोमेना, उसका बॉटल थी, वो गले में डाल के जो ले जाते ना, वो बॉटल वो वहीं पे भर रही थी, ठंडे पानी बॉटल भर रही थी। भरने के बाद में जैसे ही भर गई, मैंने कहा साइड में हो जा, मेरी बारी। बोले नहीं, थोड़ा सा पी लेती हूं, पी कर इसमें से कम करके दोबारा भर के फिर क्लास में जाऊंगी। और बेल बज चुकी थी, हम लोग अलग ही बोल रहे हैं ना, रश में थे, मेरे भी जो और भी मेरे दोस्त खड़े थे। तो भैया अब ध्यान से सी फील दिस थिंग कि ये सामने वाटर कूलर, छोटे हम लोग, चिंटू चिंटी इस टाइप के, तो वो वहां पे भर के पी भी ढंग से रही जाते, तबियत से मोटी जाड़ी थी, पी के आधी बॉटल खाली कर दी, अब दोबारा भरूंगी। और जब वो दोबारा, मतलब एक सिप ली, थोड़ी देर रुक कर इधर उधर, फिर दूसरी सिप ली, हम कितने रश में थे, जब वो पी रही थी ना, तो मैंने क्या किया, पीछे से धक्का दे दिया। ठीक है, छोटे थे तो ऐसी हरकतें दिमाग में आती है, पीछे से धक्का दे दिया, ये वाटर, ये बॉटल, ये मुंह में बॉटल और सामने वाटर कूलर की वो दीवार। मैंने जैसे ही धक्का दिया, उसके आगे के दोनों दांत बॉटल के अंदर, और छोटे बच्चे के जब दांत टूटते हैं तो भाई साहब, जैसे ही उसने पीछे मुंह घुमाया, यहां से लेके यहां तक खून ही खून, मुझे साक्षात उन मैम के रूप में यमराज दिखाई दे गए थे। और एक जगह नहीं, 5-6 टोली आ रही थी यमराजों की, आगे आगे मैम थी, उसके पीछे ये जो इसके थे पेरेंट्स, वो भी बैठे हुए दिख रहे थे दूसरे किसी भैंस पे, भैंसे पर। उसके इधर बगल में उसी स्कूल में मेरी दीदी पढ़ती थी क्लास 11-12 में, एक भैंसे पे वो भी बैठी हुई दिखाई दे रही थी, उसके पीछे मुझे अपने पेरेंट्स दिख रहे थे। मैंने कहा अगर मैं, ये 4-5 भैंसे आ रही है, मतलब समझ पा रहे हो, इनमें से एक आधे से बच जाऊंगा पर सबसे नहीं बच पाऊंगा। तो मैंने कहा आज तो बेटा गए भाई साहब। उसके बाद में आप समझ सकते हो, पानी पानी, अरे सांस रुक गई थी मेरी, भैया वो तो तुरंत क्लास में गई और वो मैडम वहां बैठी थी, जाती पहला ही नेचुरल रिएक्शन, बेटा ये किसने किया, बोले वो आ रहा है जो दमादम, पहले तो उन्होंने ही, क्योंकि अब इसमें तो इफ एंड बट क्वेश्चन तब आस्क किए जाते हैं जब सबूत ना मिले कि भैया दो लड़कों की लड़ाई होगी, तुम गए टीचर के पास, तूने इसको मारा क्या, तूने इसको मारा, क्या प्रूफ है, तीसरे को बुला के ला, उसने गवाही दी, फिर पिटाई होती है। यहां तो सबूत वो खुद लिए घूम रही है, बोले किसने किया, बोले उसने किया। और इतना भयंकर कांड था कि बाकी जो मेरे दोस्त थे वो भी यही कह रहे थे कि इसी ने किया है, कि गलती से हमारे पे इसकी परछाई ना पड़ जाए वरना हम भी पीटे जाएंगे, तो बोले इसी ने किया है। तो भैया पहले तो मैडम ने पीटा, तबियत से अभी मामला इतना बड़ा था कि पहले प्रिंसिपल के ऑफिस में ले गए, प्रिंसिपल के ऑफिस में उसके पेरेंट्स को तो बुलाया गया, वो तो इसलिए ताकि इसको फर्स्ट एड वगैरह मिल सके, मेरे पेरेंट्स को बुलाया गया ताकि मुझे अच्छे से फर्स्ट एड मिल सके। तो मेरी दीदी को बुला लिया, दीदी बड़ी स्ट्रिक्ट थी, ये जो तुम ओपी हैंडराइटिंग देख रहे हो ना सर, आप बहुत बढ़िया लिखते हो, ये सर ऐसे ही नहीं, सर भी बहुत बदतमीज थे, पता नहीं क्या लिखते थे, खुद को ही समझ में नहीं आती थी, वो दीदी थी जिन्होंने मार मार के लाइन पे लाए। तो वो आ गई, बोले ठीक है, वो प्रिंसिपल मैम के सामने बोलेगी इनको ले जाओ, ऐसे वैसे है, छोटे बच्चे हैं, सही हो जाए। नहीं भैया मैं समझ गया था, छोटे बच्चों को सही करने का भी दीदी के पास तरीका है। जैसे ही कैबिन से बाहर निकले उनके और कॉरिडोर में मूव करना स्टार्ट किया, मैं बस भयंकर तरीके से रोने लगा और वो आंसू जेन्युइन थे। मैं कहा मुझसे गलती होगी, मैंने दिया है धक्का, मेरे से एकदम जेन्युइन मिस्टेक हुई। वो बोले कोई बात नहीं, अब तेरी कुटाई भी जेन्युइन होगी। वहीं पर लेके गए कॉरिडोर में, एक छोटा सा ब्लॉक था, पहले तो वहीं पीट दिया। और वो होता था रिसेस के बाद में 3 क्लासेस लगती थी, 3 क्लासेस खत्म हुई,
मैं एकदम सहमा हुआ उससे शरीफ कभी भी। तो घर जाने की बारी, हम सब लोग पैदल घर जाते थे, दीदी मैं और मेरे आसपास वो चिंटू पिंटू, वो इस बार चिंटू पिंटू कोई नहीं दिखाई दे रहा, मैं अकेला ही घूम रहा हूँ गले में बोतल डाल के। आगे दो कदम पे दीदी चल रही है, पीछे पीछे भैया घर चले गए। घर जाते ही उन्होंने तुरंत, बैग रखा नहीं था उससे पहले ही, वो कांड पूरा का पूरा घर पे समझा दिया। बोले आज ये करके आया लाडला आपका। मुझे लगा कि यार कुछ खाना वाना खा लेंगे, सुबह से तो वैसे ही हालत खराब हुई पड़ी है, खाना वाना सब भूल गए। मैंने जाके सीधा सीधा बोला मम्मी को, मैंने कहा देखो भाई सही है, सब सही है। अच्छा एक और इसमें मेन इंटरेस्टिंग चीज बीच में रह गई, वो जो लड़की थी उसने वहां पर जाते जाते, वहां पर जाते जाते, एंड दिस इज रियल ध्यान रखना, वहां पर जाते जाते क्लास में जाते जाते, क्लास से निकलकर प्रिंसिपल के कैबिन तक जाते जाते एक और इल्जाम मेरे सर पे डाल दिया था कि ये इसने मुझे आई लव यू बोला है। और बचपन में ये बात आपके अगर कैरेक्टर पे लग जाती है कि आपने किसी को आई लव यू बोला है, दैट मींस आपने सबसे बड़ा क्राइम किया। हाँ छोटे छोटे ही थे, उसका कोई मतलब नहीं पता, बट हाँ ये होता था कि किसी को फंसाना है तो आप ऐसा बोलते हो कि इसने आई लव यू बोला है। और वो बात दीदी को बताई गई, मुझे नहीं बताई गई। दीदी आके बोलती है बाद में कि ये ऐसे भी कर गया है। तो वो जो मम्मी मेरे फेवर में थे थोड़े बहुत, बोले कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं से पता नहीं कौन सी बात पे आ गए। अब मम्मी ने पहले अच्छे से सूता, 8:30 बजने के करीब घर पे पापा आने वाले थे। फिर मैं कहा यार ये एक साथ मिलके सभी लोग पीट लो ना, काहे अलग अलग टाइम फ्रैक्शन पे डांट, मतलब ऐसे घबराहट तो रहती है कि अब 8:30 बजे पापा आएंगे फिर वो पीटेंगे। अब तुम सोचो ना 2 बजे स्कूल से निकले, 4-5 बजे मम्मी ने पीटा या जो भी है, उसके बाद में 8 बजे तक पापा का इंतजार कर रहे हैं कि आ जाओ भाई आप भी पीट लेना। पापा ने कुछ नहीं बोला, बोले इसका हो चुका है, दिख ही रहा था मैं वैसे ही कांप रहा था, सुबह से लेकर शाम तक लाल हुआ पड़ा था। तो भैया भयंकर दिन गुजरा, अगले दिन मेरी स्कूल जाने में हिम्मत नहीं, मैं स्कूल गया, फिर सॉरी वॉरी बोली कान पकड़ के, यस मैं कहा हाँ मुर्गा बन के भी दिखा देता हूँ पर मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए भैया, ठीक है। फाइनली फिर उसके बाद में अपने बचपन में ही बोले ना, ऐसे छोटे वोटे में एक ट्रेलर मिल जाए तो सही हो जाता, आदमी सुधर जाता है, वरना ये सब हरकतें बढ़ती जाए तो फिर वो अपने आप को ओपी समझने लगता है, बोले मैं ही हूँ ये, ऐसे करने का मौका ही नहीं दिया घर वालों ने, सूत सूत के ठीक कर दिया एकदम। हाँ स्कूल वाले भी ऐसे थे, तब तक पिटाई ही इज द ओनली मेथड इन विच यू कैन टीच। बोले नहीं काम करके आया पेलो, बोले गलत निकला है पेलो, घर वाले और पेलेंगे अलग से, ठीक है।